बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से खुशखबर होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको अपने बच्चों पर सलामती अता फरमाए। जो देश प्रदेश से बैठे हैं, या अल्लाह पाक सबको अपने बच्चों पर सलामती अता फरमाए। आमीन। तुम्हारे आज मैं ये आम की चटनी बनाने लगा। बहरहाल मैंने तो जब भी कोई चीज़ बनाई है, मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई है, क्योंकि मुझे पसंद तो स्पाइसी है ज़्यादा। काट रही हूँ, माशाल्लाह 3 किलो हैं ये, और ये इसमें लगुठली हैं। अगर आप चाहें तो डाल के बीच में डालने बाद भी अगर कोई आपने उसको थोड़ा बहुत यूज़ करना तो पल्ला, अदरवाइज आप उसको निकाल दें। निकाल के आप इसमें नमक, रेड चिली और तो काली पीसी मिर्च पाउडर जो है वो डालें, और ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा डालें, और चीनी डालें उसको डाले शीशे के जार में। आपने इसको शीशे के जार में डाल के तो फ्रीज़र की साइड पे रख दें, अगर ज़्यादा देर रख दें। अगर जल्दी खानी है तो बेशक उसको नीचे फ्रिज में ही रख दें। जितने दिन भी चलेगी ये तो अपने पे डिपेंड है, हमसायों को दे, सहेली को दे, बेटियों को दे, जो कि मेहमान आए उसके आगे रखें। तो मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, वहाँ पे मैं उसको रख के आती हूँ। मैंने कमर को ठीक कर देना, चूल्हा जल गया। इसमें डाल दियो सारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च, इसमें जीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नमक डाला, चीनी, काली मिर्च, नमक डाला, चिली डाली, अभी सावर जीरा डालने लगी हूँ। उसके बाद अब इसमें और इसमें अब थोड़ी सी काली मिर्च डालने लगी हूँ, बाद में स्पाइसी देख लेंगे। चलो ये हो गया, अब डालती हूँ मैं चीनी। यहाँ रख लिया चीनी,
इसमें पानी नहीं डालना। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ये मैंने जो आम काटे थे आपके सामने है, वो मैंने सारी उसकी चटनी तैयार कर ली है और बड़ी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी, देखने में भी खाने में भी बहुत ऐसी। अब मैंने मेरी बेटी ने आज, मैंने मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं मूंगी की दाल की खिचड़ी पकवाऊँ, ये मेरी बेटी ने देखे इतनी ज़बरदस्त प्यारी खिचड़ी बनाई है और मैं ना चाहते हुए भी फिर मैंने थोड़ी सी इसके साइड पे डालनी है। आप ये देखें, ये इसकी शक्ल देखिए, आप ये देखें किस कदर प्यारी लग रही है। और इसको जार में भर के रख दें, ये देखिए स्पाइसी भी है और टेस्टी भी है। ये देखिए ये 3 किलो आम की, ये देखिए आए, आप भी शेयर करें मेरे साथ, आप भी चखें, बहुत टेस्टी लग रही है मुझे। अल्लाह भी इंशाल्लाह ताला आप मेरे मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ ले लो दुआएं करती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स में भेजा कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़ बकर, इंशाल्लाह ताला दूसरे वीडियो के साथ मिलूँगा।